हेलो गाइस, वेलकम बैक टैकली मॉइन में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो टैकली मॉइन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूं, कुछ ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप इस वीडियो को फुल वो जरूर करोगे और स्किप नहीं करोगे। इस वीडियो को जरूर देखना। मैं बताने जा रहा हूं व्हाट्सएप की कुछ ऐसे ट्रिक, दो तीन ट्रिक जिससे आप यूज करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि हमें पहले ये ट्रिक नहीं पता थी। तो व्हाट्सएप की दो तीन ट्रिक मैं बताऊंगा और मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है व्हाट्सएप की ट्रिक 4-5, तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना, उसमें भी मैंने 4-5 व्हाट्सएप की ट्रिक बता रखी है। बट इसमें मैं कुछ अलग प्रकार की ट्रिक बताऊंगा कि व्हाट्सएप में क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ट्रिक जमा सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल जिनका है, यूट्यूब क्रिएटर हो आप, तो जिनके यूट्यूब क्रिएटर भी नहीं हो, जोन से भी सॉरी, मैं कहने का मतलब है कि मीनिंग मेरेगा जो आप YouTube क्रिएटर भी हैं या नए भी हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए खुशखबरी आई है। अपडेट लेकर आया YouTube फीचर लेकर आया, न्यू वर्जन, न्यू अपडेट। एंड उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि Instagram भी अपडेट लेकर आ चुका है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, फुल वॉच करना। तीनों की मैं बात करूंगा, तो तीनों की इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूर बात करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखना और स्किप मत करना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी तक मुझे, आप चैनल पर नए हैं तो, यूज़र नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे मैं टैग के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मेरे चैनल पर। तो अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हो तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें। तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर जरूर रिप्लाई जरूर करूँगा वहाँ पर आपको। तो ज़्यादा लंबी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लें। को बताऊंगा कि व्हाट्सएप में आप MP4 स्टेटस लगाते हो, वीडियो के स्टेटस लगाते हो, पर आपको ये नहीं पता हो कि हम ऑडियो का स्टेटस कैसे लगा सकते हैं, MP3 का स्टेटस कैसे लगा सकते हैं। बट मैं यही बताने जा रहा हूँ ट्रिक कि आप ऑडियो या MP3 का स्टेटस कैसे लगाएं, MP4 को हटाकर MP3 का स्टेटस कैसे लाएं। तो कोई भी स्टेटस देखेगा आपका व्हाट्सएप पर तो वो रान हो जाएगा कि आप इसने स्टेटस MP3 में लाया कैसे, कोई फीचर नहीं है व्हाट्सएप में ऐसा कोई। तो इसके लिए आपने व्हाट्सएप पर चल जाना है, तो व्हाट्सएप पर जाते हैं, मेरा इंटरफेस आ चुका है। तो व्हाट्सएप पर जाते हैं, आपने स्टेटस पर जाना है, स्टेटस पर आपने कुछ चॉइस कर लेनी है अपनी वीडियो जिसका आप वीडियो लगाना चाहते हो, कोई भी तो वीडियो को चॉइस कर लेना, जो सा गाना हुआ, सॉन्ग हुआ। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक, तो जैसे सिलेक्ट किया ऑडियो को मैंने, MP4 को सिलेक्ट करना है पहले आपने, जो सा गाना हुआ तो MP4 को सिलेक्ट किया। MP4 को सिलेक्ट करते फिर साइड में ऊपर टी के पास एक पेंसिल है, पेंसिल को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने कलर को चॉइस कर लेना, कलर या रेड या ब्लैक या पिंक या ब्लू, तो मैं ब्लैक को चॉइस करूँगा, ब्लैक। जैसे मैं ब्लैक को चॉइस करूँगा तो आपने क्या करना है, दो फिंगर को प्रेस करना उस वीडियो पर, MP4 को दो फिंगर को प्रेस करना है। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये ब्लैक में हो जाएगा, सारा ये ब्लैक में हो जाएगा, वीडियो हाइड हो जाएगी और ये MP3 में हो जाएगा, कोई भी सुनेगा तो MP3 में सुनेगा। तो इसके ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना, पिंक या रेड या ब्लू, या मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ब्लैक ही करना। तो जब आप कलर से पेंसिल पर क्लिक करोगे, कलर सेलेक्ट करोगे, तो आपने दो फिंगर को प्रेस करना उस वीडियो पर, स्क्रीन पर प्रेस करना है, तो ये कलर फुल ब्लैक में हो जाएगा या पिंक में फुल हो जाएगा। तो वो जो सी वीडियो MP4 आपने सेलेक्ट की थी वो हाइड हो जाएगी और MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर आप उसे स्टेटस में लगा सकते हो। बहुत ही अच्छी इजी ट्रिक थी, तो आप किसी को इसको ना कर सकते हो, लिख भी सकते हो कि आपको किसी को पता है कि ऑडियो में कैसे लगाएं। तो और जो सी दूसरी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये भी व्हाट्सएप की है। तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सेटिंग पर जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन होते हो तो आप किसी भी यूज़र को ऑफलाइन दिखाना चाहते हो, ऑनलाइन होते वक्त भी आप ऑफलाइन दिखाना चाहते हो, आप जब भी ऑनलाइन हो तो आप ऑफलाइन दिखाना चाहते हो कि हम ऑफलाइन हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंट प्राइवेसी अकाउंट पर सेटिंग पर क्लिक, फिर अकाउंट पर क्लिक, फिर प्राइवेसी पर क्लिक, तो प्राइवेसी पर क्लिक, फिर लास्ट सीन पर क्लिक करना है, लास्ट सीन। तो उस पर थोड़ा ऐसा इंटरफेस आएगा नीचे की और माइक कनेक्ट और एवरीवन नो बॉडी, तो ये एवरीवन पर क्लिक होगा आपका पहले से। तो आपने नो बॉडी पर क्लिक करोगे तो इसका मीनिंग है कि जब भी आप ऑनलाइन हो गए
तो कोई भी आपका व्हाट्सएप चेक करेगा तो आपको वो हर टाइम 24 घंटे ऑफलाइन शो होगा, ये आपको लास्ट सीन दिखाएगा नहीं कब ये लास्ट सीन हुआ कब ऑनलाइन हुआ, तो ये ऑफलाइन ही दिखाएगा आपका व्हाट्सएप। तो नो बॉडी पर क्लिक करना, तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी ऑफलाइन के लिए। तो आप एक मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा अगली जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि आप 24 घंटे ऑफलाइन होते भी वक्त आप कैसे व्हाट्सएप पर शो हो सकते हैं कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन होते वक्त भी। तो इसमें मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी आपको दूसरी ट्रिक पता लगी होगी। और तीसरी ट्रिक मैं व्हाट्सएप के ऊपर बताने जा रहा हूँ, तो जैसे प्राइवेसी पर क्लिक करा पैक करोगे आप प्राइवेसी पर, तो नीचे सिक्योरिटी टू स्टेप वेरीफाइड रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो उस पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट रिपोर्ट। रिक्वेस्ट रिपोर्ट का मीनिंग है कि जब भी आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट का मीनिंग है जब भी आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो इसका आपको व्हाट्सएप का डाटा जो भी रिपोर्ट है आपकी, आपने क्या सेटिंग कर रखी है, आप कौन से ग्रुप से जुड़े हो, आपके पास 3 डे से 1 वीक के अंदर अंदर एक रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका जो भी डाटा है आपका सारा मीनिंग आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंड आप जब कर दोगे तो आपको 3 डे से 1 वीक लग जाएगा, तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन डाटा आ जाएगा कि आप किस ग्रुप में से ऐड हो, आपने क्या क्या सेटिंग की है, आपने क्या क्या व्हाट्सएप पर क्या क्या चीज कर रखी है, तो आपका ये मंगा सकते हो। तो जो सी चौथी चीज़ है वो चैट के ऊपर है, बाई चांस आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाता है, बाई चांस आपका फ़ोन जो सा व्हाट्सएप है इंस्टॉल किया हुआ वो इंस्टॉल हो जाता है, तो आप दोबारा से उसे इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो दोबारा वेरीफाइड करते हो अपने नंबर से उसी से, तो वो चैट सारी डिलीट हो चुकी होती है, मीडिया भी और फोटो जो से आपने बातें की है, रिप्ले जो से आपने चैट की है, तो उसे बैकअप करने के लिए जो से भी आप 1 मंथ 2 मंथ या 1 साल जितनी भी बातें की है वो बैकअप करना चाहते हो उसका, तो आपने क्या करना है, तो आपने तो आपने सेटिंग पर जाना है, तो अकाउंट चैट नोटिफिकेशन चैट के ऊपर क्लिक करना है, चैट के ऊपर क्लिक करोगे जो नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे चैट बैकअप का निशान आएगा, चैट बैकअप का निशान आएगा बैकअप पर क्लिक करना है, तो ये आपका चैट बैकअप का मतलब है बैकअप पर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी डिलीट हुई हैं जो सी चैट या आपकी फ़ोटो या जिससे नंबर आपकी बातें हुई हैं वो सारी आपकी बैकअप जो आ जाएंगी उसी व्हाट्सएप पर, तो घबराने की बात नहीं है। तो जो सी मैं चौथी व्हाट्सएप की जो टिप्स है ऑनलाइन वाली जो से मैंने बता दी शुरू से, देख सकते हो दोबारा पीछे करके वीडियो ऑनलाइन वाली 24 घंटे का हम कैसे ऑनलाइन आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। तो व्हाट्सएप की ट्रिक हो चुकी है पूरी, तो अब मैं बात करता हूँ यूट्यूब क्रिएटर की, यूट्यूब क्रिएटर जो से नहीं भी है उनके लिए भी यूट्यूब का एक नया फीचर आया हुआ, तो जल्दी से जाएँ अपने YouTube को अपडेट कर लें प्ले स्टोर से, अपडेट करते वक्त अपडेट कर लोगे तो उसे ओपन करोगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखोगे कि ऊपर कुछ ऐसे फीचर आए हैं टैग डांसिंग स्पोर्ट्स और सॉन्ग्स, आपको किसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए रिकमेंड, किसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए अपने YouTube पर, अगर आपको टैग के रिलेटेड वीडियो तो अच्छी लगती हो तो टैग पर क्लिक करें तो आपको YouTube टैग के रिलेटेड वीडियो शो कराएगा, अगर आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड लगती है स्पोर्ट्स पर क्लिक करो स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको वीडियो दिखाएगा, डांसिंग कुकीज आपको ऊपर जैसे इंस्टाग्राम पर है ट्रेंडिंग पर जाते हैं इंस्टाग्राम पर सर्च बार पर जैसे उसमें फीचर हैं ऐसे सेम ही यूट्यूब पर आ चुके अपडेटिंग, तो आप ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे कि जब अपडेट कर लोगे यूट्यूब पर तो आपको ऊपर की ओर लाइन पर शो आएंगे टैग सॉन्ग्स डांसिंग कुकिंग स्पोर्ट्स, आपको कई सारे ऑप्शन फीचर मिलेंगे, तो आप जिसके रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो उस पर क्लिक करना तो उसके रिलेटेड आपको यूट्यूब दिखा देगा रिकमेंड कर देगा ये सभी वीडियो आप देख सकते हो। तो और दूसरा अपडेट ये है यूट्यूब का, तो आप अगर वीडियो कोई भी आपको अच्छी नहीं लगती किसी कंटेंट के किसी वीडियो अच्छी नहीं लगती कोई भी यूट्यूब पर तो अगर वो आप वीडियो देखना नहीं चाहते हमेशा के लिए भाई हमें मुझे ये यूट्यूब ऐसी वीडियो दिखाए ना शो ही ना कराए हमेशा हमेशा के लिए तो मुझे ऐसी वीडियो अच्छी लगती नहीं है, आप उसे क्या करोगे, आप उसे जब ओपन करोगे यूट्यूब को तो मैं ओपन कर लेता हूँ, जब आप ओपन करोगे अपने यूट्यूब को जब ओपन करोगे यूट्यूब को तो आप
जोन से भी आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती टैग के रिलेटेड या सॉन्ग के रिलेटेड या किसी के रिलेटेड आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती या थंबनेल अच्छा नहीं लगता टाइटल अच्छा नहीं लगता तो उसको वो रिलेटेड आप वीडियो पसंद नहीं करना चाहते मुझे ऐसी वीडियो दिखाए शो ही ना कराए यूट्यूब तो आप तीन मीनू पर क्लिक करना है जोन से तीन मीनू नीचे की साइड तीन मीनू तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देख सकते हो यहाँ पर उल्टा इंटरफेस आएगा यार तो जब तीन मीनू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो कराएगा नो इंटरेस्टिंग जब यहाँ पर जहाँ पर हम शेयर करते हैं जहाँ पर शेयर क्लिक करते हैं डाउनलोड करते हैं सेव टू प्लेलिस्ट सेव टू वॉच वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं जहाँ पर आप ऊपर की ओर देखोगे कि एक नोट इंटरेस्टिंग का फीचर आया हुआ है वहाँ पर जब क्लिक करोगे तो वो वीडियो वहाँ से हट जाएगी यूट्यूब आपको उस टाइप की वीडियो या थंबनेल टाइटल उस प्रकार का आपको वीडियो दिखाएगा नहीं ना रिकमेंड करेगा आपको यूट्यूब में जब भी आप ओपन करोगे अपना वीडियो देखने के लिए तो उस प्रकार की वीडियो शो नहीं कराएगा यह भी एक बहुत खास फीचर है यूट्यूब के लिए तो तीसरा अपडेट यूट्यूब का है वो यूट्यूब क्रिएटर के लिए है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें कॉपीराइट म्यूजिक का कॉपीराइट मिल जाता था ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती यार एक तो गर्मी बहुत लाइक तो जरूर कर दी इस वीडियो को तो जो सा हमें कॉपीराइट का ऑप्शन मिलता था कि म्यूजिक का कॉपीराइट जब भी हम वीडियो को अपलोड करते थे तो एक म्यूजिक का कॉपीराइट मिल जाता था हमें तो हमें वीडियो पर डिलीट नहीं कर पाते थे वीडियो अपलोड करने के बाद कि म्यूजिक को कैसे हम डिलीट करें तो ये भी फीचर आ चुका है कि हम स्टूडियो बीटा में जाएंगे जब क्रोम में जाकर स्टूडियो बीटा में जाएंगे तो वहाँ पर हम जो सा म्यूजिक लगाया था हमने वीडियो के बैक में बैकग्राउंड में तो वो हमें हम हटा सकते हैं स्टूडियो बीटा में जाकर और मनपसंद का वहाँ पर लगा सकते हैं कोई भी वहाँ पर चॉइस कर वहाँ पर लगा सकते हैं तो उसे जहाँ अपने टी सीरीज का लगाया जो किसी भी सॉन्ग को लगाया बैकग्राउंड पर तो उसे हटा कर आप वहाँ पर स्टूडियो बीटा में जाकर अपलोडिंग हुई यूट्यूब पर उसी में ही आप चेंज कर सकते हो म्यूजिक वहाँ पर आप ट्रिम भी कर सकते हो कट भी कर सकते हो और जो से आप कॉपीराइट क्लेम मिला वहाँ से भी आप कट कर सकते हो स्टूडियो बीटा में जाकर क्रोम पर जाकर तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है आपके लिए यूट्यूब के लिए तो मेरे लिए भी बहुत है तो जो सा चौथा ऑप्शन है इंस्टाग्राम की बात इंस्टाग्राम का बहुत ही सख्त एक पॉलिसी लेकर आया बहुत ही अपडेट लेकर आया इंस्टाग्राम चेंजिंग लेकर आया जब मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर लाइक कैसे इंक्रीज करें व्यू कैसे इंक्रीज करें फॉलोवर कैसे इंक्रीज करें बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी है प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो उसका मैंने वीडियो पर लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में ऐप के या वेबसाइट के इस वेबसाइट पर जाओगे तो फॉलोअर्स इंक्रीज करो ये ऐप डाउनलोड करो तो व्यू इंक्रीज करो लाइक इंक्रीज करो फॉलोअर्स इंक्रीज करो बट वो अब ऐसा नहीं कर सकते जितनी में मैंने वीडियो बनाई हुई इंस्टाग्राम के लाइक पर फॉलोअर्स के ऊपर वो अब बैन कर दी गई है तो कुछ ऐसी वीडियो होगी जो अभी वेबसाइट चल रही है ऐप चल रहे हैं तो कुछ ऐसी वीडियो होंगी मेरे चैनल पर जो अभी काम कर रही हैं और जो सी बैन बस वेबसाइट हो चुकी हैं तो मैसेज मत करना कि ये वेबसाइट काम नहीं कर रही लाइक बढ़ाने के लिए कमेंट करने बढ़ाने के लिए फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए वेबसाइट काम नहीं कर रही तो बहुत ही सख्त एक अपडेटिंग लेकर आया चेंजिंग लेकर आया कि हम फेक इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं कर सकते फेक हम व्यू इंक्रीज नहीं कर सकते लाइक इंक्रीज कर सकते बट मैं आपके लिए स्पेशल लाइक और इंक्रीज और फॉलोअर इंक्रीज के लिए कुछ अलग अलग ट्रिक लगाता रहूँगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करें सॉरी लाइक जरूर कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि मैं जो जब भी यूट्यूब पर इंस्टाग्राम लाइक और फॉलोअर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो स्पेशल रियल वाली तो वो आप देखोगे जरूर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तभी आपके पास वो वीडियो स्पेशल मिलेगी जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर तो बहुत ही चेंजिंग आ चुका है इंस्टाग्राम का हम वो अब ऐसा नहीं कर सकते इंस्टाग्राम की फेक फॉलोअर नहीं बता इंक्रीज कर सकते तो आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें तो डिसलाइक कर सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दें तो वहां पर जाकर मुझे फॉलो